हेलो गाइस, कुक विद गुरमीत में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये एक बाउल भरकर सेहत का खजाना। हाँ जी, ये बहुत ही हेल्दी सैलेड है और इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं ना, और हर इंग्रेडिएंट के जो बेनिफिट्स हैं मैं वो आपसे सब शेयर करूँगी। बस आप वीडियो को मैं एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिए हैं ये चवले, इसे चवले भी कहते हैं कई लोग, इसे लोबिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं चवले और लिए हैं ये छोले और लिया है ये राजमा। इन तीनों को हमने बॉईल कर लिया है, पहले ओवरनाइट सोक किया था और देन सुबह हमने इसको बॉईल कर लिया है। और अब लेंगे हम स्प्राउटेड चना और मूंग दाल। तो इन्हें स्प्राउट करने के लिए ओवरनाइट सोक किया है और सुबह इसे एक साफ कपड़े में बांध कर रख दिया है, किसी गर्म जगह पर रखें। और ध्यान रखें कि ये जो कपड़ा है ना, ये सूखे ना, हल्का सा इसे गीला करते रहेंगे, जितना मॉइस्चर होगा उतनी ही जल्दी ये अंकुरित होंगे। तो यहाँ मूंग और चना दोनों को हमने स्प्राउट कर दिया है और कपड़े में बांध कर इसे 24 घंटे तक आप रखें और इस तरह से ये स्प्राउट्स रेडी हो जाएंगे। और ये जो स्प्राउट्स है ना, इसे आप नेक्स्ट डे ही ऐसे कच्चा भी खा सकते हैं। और साथ ही लिए हैं हमने बीटरूट, खीरा, प्याज और गाजर। सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं। अब लेते हैं एक पैन, और पैन में मैं डाल रही हूँ ये जो स्प्राउटेड चना और मूंग दाल है ना, इसको हम हल्का सा सॉटे करेंगे क्योंकि ये 2 दिन पुराना है। और जब भी आप दो दिन या इससे ज़्यादा पुराना स्प्राउट यूज़ करें तो या तो उसको हल्का सा बॉईल कर लें या फिर उसे हल्का सा सॉटे कर लें। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और ये जो स्प्राउटेड चना और मूंग दाल है इनको हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा देर हम इसको पकाना नहीं है, सिर्फ 20 सेकेंड के लिए हम इनको सॉटे करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी सैलेड बनकर रेडी होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और इस सैलेड को जरूर ट्राई कीजिएगा। इस सैलेड में प्रोटीन, आयरन, बहुत सारे न्यूट्रिशंस, सब कुछ इन्वॉल्व है। और ये सैलेड आपको पूरा पोषण दे सकता है, आपकी पूरी मील है। आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में कभी भी खा सकते हैं, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, आप अपने ऑफिस में ले जा सकते हैं, किसी भी मील के पहले भी आप इसे खा सकते हैं। तो लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल और उसमें डाल देते हैं पहले हम ये राजमा, उबले हुए छोले, और ये चवले। ये जो चवले हैं ना, अभी तो हमने बॉईल करके लिए हैं, अगर आप डेली इसको रात को गलाकर सुबह ऐसे कच्चा खाना चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हमारे स्प्राउटेड चना और मूंग दाल। अब इसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स, यहाँ हमने लिया है बीटरूट, खीरा, प्याज और गाजर। इसके अलावा अगर आपके पास स्वीट कॉर्न हो या मटर हो तो उसे भी आप बॉईल करके ले सकते हैं। और अब थोड़ा सा इसका टेस्ट इनहेंस करने के लिए हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा काला नमक, 1/2 चम्मच के करीब हम लेंगे काली मिर्च का पाउडर, फ्रेश काली मिर्च का पाउडर कूट के डालिए तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा डाल देंगे चिली फ्लेक्स, इससे खाने का टेस्ट और बढ़ जाता है। और साथ ही डाल देंगे मिक्स हर्ब्स। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस सैलेड को अपने मील में जरूर ऐड कीजिएगा, दिन में एक बार इस सैलेड को आप जरूर जरूर खाइएगा। तो बस अच्छे से मिक्स किया है और ये हमारा जो सैलेड है, हेल्दी सैलेड,
जो कि सेहत का खजाना है, ये हो चुका है रेडी। अब इसे गार्निश कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया से। और ये रेडी है हमारा सेहत का खजाना। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स।